So now we will discuss about the second order families. So this may end up to two possibilities, and let's say A changes to products. So R is equal to K, A square root. Okay. Then you can say A plus B changes to products. R is equal to K. ये दो आपके केसेस पॉसिबल है सेकंड ऑर्डर केस। तो हम थोड़ा नॉर्मली पहले वाले केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें रेट और ए स्क्वायर के बीच में कंसंट्रेशन ग्राफ जो होगा इसको आप माइनस डी ए बाय डी टी भी कह सकते हैं, इसको आप डी एफ बाय डी। तो यहां पर आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, सॉरी R is equal to minus d by dt is equal to k, k square. इसको rearrange कर लेते हैं, minus d a over a square is equal to k d2. दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका जैसे a square है पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन कर रहे हैं मान लो, तो क्या होगा ए माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, क्या आएगा ए माइनस वन ओवर माइनस वन। तो यहाँ पर जो है ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा मतलब अपॉन ए टी इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ठीक है, तो अब आपने टी बराबर जीरो रख दिया, ए टी बराबर ए नॉट रख दिया, तो आपकी इक्वेशन में क्या आएगा वन अपॉन ई नॉट जीरस टू के इंटू जीरो प्लस सी, सी जीरस टू क्या जाएगा वन अपॉन ई नॉट। इस वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया आपने, वन अपॉन ए टी जीरस टू आपका हो जाएगा के टी प्लस वन अपॉन ए नॉट। तो आप ए नॉट पे ले आए तो वन अपॉन ए टी जीरस टू वन माइनस वन अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो जैसे आपकी इक्वेशन है ए चेंजेस टू प्रोडक्ट्स, तो टी बराबर जीरो पर जो है इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट है, और एट टाइम टी इसकी कंसंट्रेशन ए टी है, इसको आप ए भी लिख सकते हैं, इसे ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी ये भी फॉर्मेट ले सकती है, तो अब जो है आप वन ओवर ए माइनस एक्स और के टी में अगर आप खींचेंगे तो आपका इस तरीके का आएगा, क्योंकि आप इधर बीच साइड में जाएंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये जो है आपका इंटर वन अपॉन ए वन का सर और प्लस वन अपॉन ए। तो ये जो है आपका रिलेशनशिप इसमें आएगी। सेकेंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स में अब आप आ गए हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड और उसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यदि हम यहाँ पर t बराबर t हाफ रखें तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट ले लेगी, तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए नॉट बाई टू। तो ये आपने रख दिया वन अपॉन ए नॉट बाई टू माइनस वन अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी हाफ, तो आपका ये टू ए नॉट माइनस वन अपॉन ए नॉट के टी हाफ ये बन गई आपकी इक्वेशन ए नॉट। तो वन अपॉन ए नॉट इंटू वन बाई के टी हाफ, यानी टी हाफ इज इन्वर्सली टू वन अपॉन ए नॉट। यानी सेकेंड ऑर्डर के लिए यदि आप जो है टी हाफ और ए नॉट में ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके का आएगा, हाइपरबोला ग्राफ आएगा टी हाफ और वन अपॉन ए नॉट में ग्राफ खींचेंगे तो आपका स्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का जो आपका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है ये चेंजेस टू प्रोडक्ट्स और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है,
तो इसमें टी हाफ और ए में ये रिलेशनशिप रहती है।